तमिलनाडु अपने देखे विजन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। तमिलनाडु के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने बुस्टर्न कंसल्टिंग ग्रुप को साइन किया है, जो तमिलनाडु स्टेट के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के ओवरऑल स्ट्रेटजी और रोड मैप को तैयार करेगा। विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 6th of April 2023 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत देखा जाए तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ में तमिलनाडु महाराष्ट्र के बाद पूरे देश के हर एक राज्य को इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छोड़ रखा है। आज तमिलनाडु इंडिया के सभी राज्यों के इकोनॉमिक ग्रोथ में दूसरा स्थान रख रहा है। वहीं आज जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो हिंदू के नजरिए से तमिलनाडु पूरे इंडिया में जीडीपी पर कैपिटा के मामले में तीसरा स्थान रखता है। वहीं यह राज्य एक मोस्ट अर्बनाइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जहां पे स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग बेस और लार्ज सर्विस सेक्टर मौजूद है। यहां टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, लेदर, सीमेंट इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल, आईटी हब्स मौजूद हैं। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री में भी तमिलनाडु ने अपनी पहचान बना रखी है। वहीं द हिंदू और आंकड़ों की माने तो तमिलनाडु 3rd largest एक्सपोर्टिंग स्टेट है, जो पूरे भारत के एक्सपोर्ट का 9% एक्सपोर्ट अकेले करता है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फ्लोर एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, बिजनेस, लेदर एक्सपोर्ट और ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट आती है। तो सीधे और सरल शब्दों में तमिलनाडु इंडिया के $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के सपने को पूरा करने का प्रबल दावेदार राज्य है। इसके सहयोग से इंडिया अपने $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के सपना या विजन को पूरा कर सकता है। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे नए चैनल वर्ल्ड इकोनॉमी को भी विजिट करें। वहीं चीफ मिनिस्टर MK Stalin के द्वारा राज्य को $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के रूप में 2030 तक तैयार कर ली जाएगी और यह उसी समय पूरा की जा सकती है जब करंट ग्रोथ रेट को सस्टेन की जा सके और इन्वेस्टमेंट रेट और इंफ्रा के ग्रोथ को इंक्रीज की जा सके। आंकड़ों के आधार पे आज 2022 से 23 में तमिलनाडु के GSDP 320.25 बिलियन US डॉलर की है। वहीं GSDP में 11.27% की वृद्धि देखी जा रही है। सभी को मद्देनजर रखते हुए आज तमिलनाडु ने बुस्टर्न कंसल्टेंसी ग्रुप को तमिलनाडु के डेवलपमेंट के विजन, गोल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड रोड मैप, आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट के काम को असाइन किया गया है। वहीं कंसल्टेंट को क्लाइमेट इंपैक्ट के इफेक्ट को भी देखने और मैनेज करने को कहा गया है। इस विजन को पूरा करने के प्रोसेस में राज्य के इकोनॉमिक बेसलाइन को तैयार करना, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेट को पहचानना, ग्रॉस वैल्यू एडेड मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन और करंट पेडअप पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर डिसीजन है। वहीं कंसल्टेंसी के द्वारा अभी तक 5 countries के इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी और आज इन सभी कंट्रीज में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में कंटिन्यूअसली ग्रोथ मिल रही है। कंसल्टेंसी को दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने और रोड मैप को तैयार करने के लिए 6 months का समय दिया गया है, जिसमें SWOT एनालिसिस के आधार पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर प्रोडक्शन और फाइंडिंग द रॉ मटेरियल के लिए 4 weeks का समय भी दिया गया है। डिटेल आपके स्क्रीन पे है। तो आगे देखते हैं कि 2030 के विजन के मिशन को तमिलनाडु आखिर किस तरह से पूरा करता है। सेवा की समाप्ति और सब्सक्राइब की बारी है।